हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। कुछ अलग क्या किया जाए, मुझे आज हॉस्टल की याद आ रही थी। जब मैं कॉलेज टाइम में थी, हॉस्टल में रहती थी, तो शाम के टाइम में ऐसा लगता था कुछ स्नैक्स खाया जाए तो समझ में नहीं आता था। तो मेरी एक जूनियर थी, मतलब जूनियर तो काफ़ी सारी थी, लेकिन एक जूनियर ऐसी थी, वो उज्जैन की थी। वो हमेशा उसको मतलब भेलपूरी प्रिफर करती थी। मतलब जब भी कभी मन होता था तो कहती थी, मैम भेलपूरी बना लें। तो उससे मुझे आदत लग गई थी भेलपूरी की। तो जब भी मैं भी कुछ खाने का मन होता था तो भेलपूरी खा लेती थी, भेलपूरी बना लेती थी। और भेलपूरी कुछ अलग अलग टाइप से बनाते थे, तो आज उसमें से एक तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उसमें हो सकता है अभी मैंने कुछ इंग्रेडिएंट ऐड ऑन किए हैं उसमें, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज टाइम में हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती थी। हमारे पास उस टाइम पे बस प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और सेव और परवल, जिससे हम बनाते हैं, वही रहता था। तो इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू रहिए, क्योंकि जब भी आपको खाने का मन करेगा आप खा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो चलते हैं भेलपूरी की तरफ। फिर बताओ कैसे बनाते हैं भेलपुड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले भेलपुरी के लिए जो ये परवल है, हमने इसको थोड़ा सा सेक के ले लिया है। अगर आप बिना रिफाइंड सेक, में सेका है, किसमें सेका है? मैंने तो घी में सेका है क्योंकि मैं हाँ, घी रिफाइंड से नहीं। थोड़ा सा अच्छा हाँ, टेस्ट आ जाता है। तो मैंने ये सेक के रख लिए है। और कभी कभी हम बिना सेके भी यूज कर सकते, जरूरी नहीं आप भी सेक के लें तो इसको बिना सेक के भी यूज कर सकते, लेकिन अगर सेक के लेते हैं तो थोड़ा क्रिस्पी सा स्वाद आता है, इसलिए ये लिया और है। देसी घी में सेकना है जिससे कि अच्छी स्मेल आए। हाँ, इसको सेकना है। उसके बाद मैंने मूंगफली और जीरे को भी देसी अच्छा, घी थोड़ा में थोड़ा सा पास डाला। लो। अच्छा, इसको भी देसी घी में। हाँ, इसको भी देसी घी में। तो और ये देखे थाली में इंग्रेडिएंट कटे हुए रखे ये हैं, हरी मिर्च है, हरी मिर्च। धनिया, हाँ, टमाटर और ये उबले वॉइल आलू है मेरे, ये थोड़े से आलू है, लिए ये हुए। लहसुन है, ये लहसुन है, ये प्याज ये है, प्याज है। और ये फ्रैम्स है। आप इसको और क्रश करके डाल सकते हैं या सीधे सीधे डाल सकते हैं, बहुत हाँ, अच्छा लेकिन मैं स्वाद। क्रिस्प करके करके डालती हूँ जिससे अच्छा स्वाद आए। और फिर और ये दही किस लिए? ये दही है, ये लास्ट में जो लोग दही के साथ प्रेफर करते हैं, दही भेलपूरी बहुत अच्छी लगती है अगर लास्ट में डालें तो। और ये और ये सेव सेव है है, जो तो कंपलसरी होते हैं, आप सबको एमपी से पता हो तो सेव है। तो तुम्हें मतलब जरूरी होगा। हाँ, और और ये ये अमचूर पाउडर है, और ये और काला काला नमक है। नमक है। नॉर्मल साधारण नमक नहीं डालना है, नहीं, काला वो भी नमक डाल डालना सकते है। हैं अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन अगर काला नमक ले तो ज्यादा अच्छा है। अब ठीक है, मैं चलो। स्टार्ट करती हूँ। हाँ, अब ये मेरे जो मैंने आपको बताया है परमल ने सिके हुए, इनके इसमें मैं अपनी मूंगफली मिला लूंगी। आप मेरे साथ साथ बने रहिएगा तो आपको लगेगा कि कितने अच्छे दिख रहे हैं और आपको भी इच्छा हो जाएगी। हो सकता है मेरे से थोड़ा फैल गया हूँ क्योंकि मैं बिना फैलाए काम नहीं करती हूँ। और अब ये सब मैं बाद में डालूंगी। अब इसमें जो प्याज है मैं बोलूंगी, प्याज लूंगी, फिर आलू, टमाटर, लहसुन, जितने भी हमारे, अगर आपके पास काट के तो शिमला, हम ही ने रखे हैं, डाल दो हाँ, पूरा। और ये हरी मिर्च, हरी मिर्च आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये तीखी मिर्ची इसलिए मैंने कम ली हुई है, और मिर्ची ये तीखी होती नहीं, मतलब कुछ मिर्ची ज्यादा ही तीखी होती है। है? अच्छा, ज्यादा तीखी कम हाँ, तीखी? और ये अच्छा, धनिया मैं सबसे लास्ट में डालूंगी क्योंकि मुझे फ्लेवर आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं ये जो नमकीन है वो डालूंगी, और जो ये फ्राइंग्स है इसको मैं, ये आवाज आ रही है आपको क्रिस्पी क्रिस्पीनेस। क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये खाली भी अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे ही खा अभी लेती इसी में हूँ। डालो, अभी खाली बिल्कुल नहीं खाना। एक तो और कर, अब ये दही मत डालना दही नहीं अभी, दही मेरे को करना। जुकाम है। अच्छा ठीक है, तो दही बाद में मैं डाल के खा दही अभी लूंगी। नमक डालो, अमचूर पाउडर डाल दो, नमक स्वाद अनुसार। हाँ, नमक स्वाद अनुसार अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी।
अभी देखिएगा मैं मिलाऊंगी, कितना अच्छा दिखेगा आपको, एकदम से लगने लगेगा कि मैं खा लूँ। वैसे इसको हाथ से मिलाना चाहिए तो हाथ से बहुत अच्छा। तुमसे चम्मच चलाने के लिए कहा कौन है? ये भी है एक्चुअली तरीका, ये वो पॉलिथीन वाले ग्लव्स पहन के कर सकते हो। हाँ, लेकिन अभी तो अपन घर में खा रहे हैं और घर में तो मतलब कैसे भी खा लो। नहीं, घर में हाथ तो अपने साफ रहते ही है ना, लेकिन मैं फैला रही हूँ थोड़े। अब ये जो मेरा धनिया बचा हुआ है, देखिए कितने अच्छे से वो ऐसे डालना, नहीं तो एक ही जगह हो जाएगा। हाँ, वो अभी मैं मिला दूंगी उसको। अब आप देखिए मेरी पेड़, इसमें सब दिख रहा है आपको। और जिसको भी दही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग दही नहीं खाते, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बाद में डाल के इसमें खा लूंगी दही के साथ। अच्छा, और तुम मेरे बाद खा लोगे? हाँ, दही के साथ और ही अलग स्वाद आता है आपको, खट्टा मीठा सा। और हाँ, एक और चीज इसमें मिस हो गई है, इसमें नींबू मिस हो गया है, क्योंकि मेरे पास अभी नींबू नहीं था। तो आप लोग ऊपर से नींबू की जगह अमचूर पाउडर डाल तो दिया है खट्टा होने के लिए। हाँ, लेकिन अगर किसके पास नींबू हो तो डाल सकते हैं ना साथ। हाँ, इमली की चटनी भी डाल सकते हो, लेकिन इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन बट ये सिंपल है। ये मैं ऐसे इंग्रेडिएंट बताई हूँ जो आप सभी के घर में अवेलेबल है, तो आप वो सब डालें, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है, ये थोड़ा सा हेल्दी लग रहा है। ये हेल्दी है भी, और अगर शिमला मिर्च हो तो बात ही बात है, और हेल्दी बना सकते हो आप। इसमें अनार के दाने डाल सकते हो, लेकिन ये सेव कट करके डाल सकते हो, वेजिटेबल्स, वो कौन सी पत्ता गोभी भी छोटा छोटा पत्ता गोभी डाल सकते हो। लेकिन ये चीजें मैंने ऐसी इसलिए बताई हैं, ये सभी के घर में अवेलेबल है, तो आप ऐसी भी बहुत स्वादिष्ट लगने वाली है। तो मेरे चैनल से ऐसी भेलपुड़ी के लिए आप जुड़े रहिएगा, और एक एक चम्मच का आप लोग भी आनंद लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।